दोस्तों, कोए को आप वॉशिंग मशीन में कितना भी नहला दे पर वो बगुला नहीं बनेगा, ऐसा ही कुछ कहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, हाल ही में चोर चोर मोसेरे भाई की कहावत को सच करते हुए विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा। हालांकि कंट्री वाला इंडिया नहीं है बल्कि ममता दीदी जो बता रही है वही इंडिया है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बाम्बा बाम्बा। आखिर देश पर ऐसी कौन सी आफत आने वाली थी कि इन विपक्ष वालों को अपने अलायंस का नाम इंडिया रखना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि ये विपक्ष वाले आदिपुरुष फिल्म की तरह अब इंडिया नाम को खराब करने में लग गए हैं? और क्या नाम बदलकर 2024 में ये विपक्ष वाले बीजेपी को हरा पाएंगे? आखिर 2024 में कौन बनेगा करोड़पति, मेरा मतलब है प्रधानमंत्री? आइए समझते हैं आखिर इस नए नाम इंडिया का सच क्या है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो खतरे का लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। तो केजरीवाल जी, वीडियो शुरू करें। ये तो कोरोना भाई। दोस्तों, हाल ही में 2024 के चुनाव से पहले मार्केट में एक नया अलायंस आया है। हालांकि जिन लोगों का ये गठबंधन है वो अपने अपने राज्य के चुनाव में एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे ही दुश्मन हैं जैसे घातक फिल्म में डैनी और सन्नी देओल थे। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। अरे राहुल गांधी तोड़ने वाले होते नहीं, माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्य हा नालायक तारका देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। The violence that takes place in Bengal, you know, the scams, the Sharda scams that have taken place. कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। ममता सेड दैट राहुल गांधी इज बीजेपीज बिगेस्ट। इन सभी विपक्ष वालों ने मिलकर अपने अलायंस का नाम रखा है इंडिया। वो एक अलग बात है कि इस गठबंधन के लोग ही इंडिया की फुल फॉर्म बताने में अटक रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस दैट इज INDIL। आपको बता दें, इस अलायंस इंडिया में कांग्रेस समेत 26 पार्टियों को जोड़ा गया है। इस नए गठबंधन इंडिया की वर्तमान 11 राज्यों में सरकार है। हो सकता है ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने। अब जानते हैं इस नए अलायंस इंडिया में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। सबसे पहले आती है दुनिया से भ्रष्टाचार को मुक्त करने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी वो आम आदमी है जिन्होंने हाल ही में 200 करोड़ रुपए लगाकर अपना घर बनाया है। नंबर दो पर है हिंसा की आग में हिंदुओं को जलाने वाली ममता बनर्जी की TMC। तीसरे नंबर पर हैं शराब चरस गांजा के संरक्षक भगवंत मान जी जो हमेशा होश में रहते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लूटे पिटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू यादव और इन्हीं सब में फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म के शाहिद कपूर का किरदार निभा रहे हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इस लाइंस की खास बात यह है कि इसमें सभी लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जिनके पास धन तो बहुत है लेकिन उनकी प्रतिभा आजकल कहीं खो गई है। अब जानते हैं इस नए अलायंस इंडिया के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सीटों के बंटवारे को लेकर। जैसे बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बवाल होगा, तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में सहमति नहीं बन पाएगी कि किसको कितनी सीट दी जाए। तो ऐसे में ये गठबंधन देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को टक्कर कैसे दे पाएगा? खैर, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। हाल ही में जब गठबंधन का नाम रखा गया तो उसको लेकर भी आपस में मारामारी मची, जिस पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा कि इंडिया नाम तो सिर्फ प्रखर बुद्धि के नेता केजरीवाल ही रख सकते हैं। वहीं कांग्रेस के समर्थकों ने कहा कि ये नाम तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही सोच सकते हैं। अब बात आती है जब ये लोग इंडिया नाम पर क्रेडिट लेने के लिए इतना हल्ला काट रहे हैं, कहीं गलती से चुनाव जीत गए तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और कहीं पीएम की कुर्सी के लिए 2020 मैच ना खेलना शुरू कर दें। अब जानते हैं आखिर इनको नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आपको पता है इस गठबंधन में मुख्य पार्टी कांग्रेस है
और कांग्रेस के घोटालों की इतनी लंबी लिस्ट है कि 2024 के चुनाव तक भी वो खत्म नहीं होगी। इसी चीज को देखते हुए जनता की आंखों में मिर्च डालने के लिए इस गठबंधन का नया नाम रखा गया, ताकि जनता कांग्रेस के घोटालों को पुराना प्यार समझकर भुला दे। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। ओके। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इस अलायंस में और भी ऐसी पार्टियां हैं जिनके नाम भ्रष्टाचार के कई खिताब हैं। इस अलायंस में टोटल 26 पार्टी शामिल हैं। कांग्रेस के इसी गठबंधन को देखते हुए बीजेपी ने भी देश की गली नुक्कड़ चौराहे से उठाकर सभी पार्टियों को एनडीए में शामिल किया है। अब एनडीए का दावा है कि उनके साथ भी 38 पार्टियों का गठबंधन है। अब जानते हैं इस गठबंधन के जीतने से देश को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी, जिससे कोई भी फैसला होने में कई साल लग जाएंगे। दूसरा, इस गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के द्वारा किए गए सभी कार्यों में वो बदलाव करेंगे, जैसे धारा 370 को फिर से लागू करेंगे, 3 तलाक कानून वापस लेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी देश में लागू नहीं होने देंगे। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ये गठबंधन पूरा करेगा। मतलब ये गठबंधन भले ही चुनाव ना जीते, पर उससे पहले मुन्नी से ज़्यादा बदनाम जरूर हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि इन विपक्ष वालों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया ही क्यों रखा। इस पर राहुल गांधी समेत अन्य पार्टियों का कहना है कि चुनाव के दौरान बीजेपी वाले इस गठबंधन को कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। कोई भी बीजेपी नेता यह नहीं कह पाएगा कि इंडिया को हराओ, ना ही हमें कोई ये बोल पाएगा कि ये इंडिया वाले चोर हैं, स्कैमर हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी चैनल पर ये नहीं दिखाएगी कि इंडिया पीछे चल रही है या इंडिया हारने वाली है। इस पर कांग्रेस वालों का कहना है कि ये नया नाम इंडिया राहुल गांधी जी की विलक्षण बुद्धि का मास्टर स्ट्रोक है। वहीं इनका एक और कहना है कि इस नाम से जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी कि वो इंडिया को वोट करे या बीजेपी को। साथ ही साथ हम इस नाम से जनता को इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना कहकर कि इंडिया को जिताना है और बीजेपी को हराना है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि एनडीए के पास पीएम मोदी एक ऐसा चेहरा है जिन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपने पीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, और इसकी घोषणा करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ममता दीदी के समर्थकों को लगता है कि उनसे योग्य महिला प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं होगी। तो वहीं केजरीवाल के समर्थकों का मानना है कि उनका जन्म तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ही हुआ है। पता है। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ही इकलौते पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो नेहरू की भारी गलती हैं, मतलब नेहरू जी के वंशज हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 के इलेक्शन में ये नया नाम इंडिया मोदी को हरा पाएगा या नहीं। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग नए अलायंस इंडिया का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप 2024 के इलेक्शन में किसको वोट करेंगे, इंडिया या एनडीए को, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर जाएं। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ।